हमीरपुर जिला में सेना अधिकारी के पिता ने एक व्यक्ति पर कार से कुचलने का प्रयास करने के आरोप लगाए हैं। मणिपुर में तैनात मेजर बेस्त्री राम के पिता पूर्णचंद ने पुलिस चौकी अवाहदेवी में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सेना अधिकारी के पिता पूर्णचंद ने सरकार से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस चौकी अवाहदेवी में एक सेना अधिकारी के पिता ने अपने ही काम के एक व्यक्ति पर कार से कुचलने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। चंबोह के पूर्णचंद पुत्र संतु राम ने शिकायत दर्ज करवाई है कि बीती शनिवार शाम को वह अपने घर के पास सड़क किनारे खड़ा था। इस दौरान गांव के एक व्यक्ति ने उसे अपनी कार से कुचलने का प्रयास किया, जिससे वह बड़ी मुश्किल से बचा। पूर्णचंद का कहना है कि बेटा बेस्त्री राम भारतीय सेना में मेजर है। मेजर बेस्त्री राम मणिपुर में तैनात है। उसने आरोप लगाया है कि उत्तक व्यक्ति ने पहले भी कार से कुचलने की कोशिश की थी, पुरानी रंजिश के चलते वो ऐसा कर रहा है। पूर्णचंद का कहना है कि आरोपी व्यक्ति स्वयं सरकारी नौकरी करता है और उसका बड़ा भाई शिमला सचिवालय में उच्च पद पर तैनात है, जिसकी वजह से पुलिस और प्रशासन अधिकारी भी मामले में हाथ नहीं डालते हैं। आपको बता दें कि पीड़ित के पुत्र मेजर बेस्त्री राम ने बीते 10 दिसंबर 2017 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वी भद्र सिंह को एक पत्र भेजकर वृद्ध माता पिता की सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दिनों तक पुलिस और एसटीएम के माध्यम से कार्यवाही की, लेकिन बाद में फिर से मामले को दबा दिया गया। कल जी ऐसा हुआ, मैं सड़क के किनारे मेरी गुंगी सी लड़की थी जो मंदिर के पास बुआ के घर गई थी, उसको देखने के लिए मैं खड़ा था ये रोड के किनारे, और इतने में 6:30 बजे के करीब करीब मतलब सुनील कुमार वादेव की तरफ से आया, और उसने मतलब जैसे मैं इस साइड में खड़ा था उसने मेरे कुचने की कोशिश की और मैं बार बार बचा ली, और मतलब उसके बाद वो चला गया। फिर मैंने उसी टाइम पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस वालों ने बोला कि कल लाना दर मतलब दरखास्त लिखो, कल आना मैं उप प्रधान को फोन किया जब ऐसा ऐसा कर रहा है, मुझे जान लेवा हमला कर रहा है। और कुछ दिन पहले मेरा लड़का बेसी लाल घर में आया हुआ था, उसको भी कुचलने की कोशिश की थी उसने। उसके बाद मेरी घरवाली जो है लजा देवी वो बैठी हुई थी पीपल के किनारे मतलब रास्ता है, उसके ऊपर भी उसने कुचलने की कोशिश की थी। हमें उसका इतना खतरा बना हुआ है, कई दिनों से वो हमारे पीछे उग्रवादियों की तरह लगा है। उसके भाई जो है सेक्रेटरेट में कार्यरत है जी, मतलब भागीरथ धर्म सिंह, वो कहते हैं कि कुछ भी कर हम छुड़ाने वाले। कई कंप्लेंटें मैंने पुलिस में दे रखी है, वहां से बस 5-6 महीने के बाद मेरी कोई भी किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही है। आपका बेटा कहाँ पे तैनात है? मेरा बेटा जी मणिपुर में तैनात है। हाँ जी, वो बहुत दूर रहता है। मैं एक मेरी घरवाली मैं बीमार रहता हूँ, घरवाली मेरी बीमार रहती गुंगी से लड़की है, और जो 14-15 घर है उसके भाई बंधु संबंधी है जी, मेरा उधर कोई नहीं है। अगर है भी द्रास पास घर उनके रिश्तेदार है। इससे पहले भी आपके बेटे या आपने कई शिकायत की थी? हाँ, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी जी, मेरे माँ बाप को प्रोटेक्शन दीजिए। उसके बाद जी उन्होंने पुलिस चौकी वादेवी में भेजा जी, वहां से उसने थोड़ा सा ऐसे मुकदमा बना के मतलब एसडीएम के पास भेज दिया। एसडीएम क्या करता है जी, मतलब वो 5-6 महीने के बाद ही जाओ घर, ये आस्था पूरा हो गया। और मेरे कोई भी वहाँ उनको नहीं है मतलब इसके मेरे प्रोटेक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा है एसडीएम साहब। क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मैं सरकार से ऐसी मांग करता हूँ जी, मुझे न्याय दिया जाए और मुझे जो अत्याचार करते हैं उसको बंद किया जाए। मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ सरकार के पास।